पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के निर्यातकों के साथ बैठक में ईसीजीसी के पॉलिसी धारक और पॉलिसी नहीं लेने वाले निर्यातकों को आमंत्रित किया गया। ईसीजीसी की पुरानी और नई पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि दो नई पॉलिसी शुरू की गई है, उनमें मल्टीबायर पॉलिसी इन फॉरेन करेंसी और फैक्ट्री सुविधा पॉलिसी है। मल्टीबायर पॉलिसी विदेशी मुद्रा में सुविधा देगी, फैक्टरिंग सुविधा में ईसीजीसी पॉलिसी के साथ फाइनेंस भी करेगी, जो एक्सपोर्ट फर्म की लागत का 85% तक होगा। ईसीजीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सृष्टिराज अंबास्था ने बताया कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अनेक सुविधाएं दे रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने पर घाटा पड़ जाता है, तो ऐसे में ईसीजीसी के साथ पॉलिसी लेकर कार्य करने से रिस्क नहीं के बराबर होता है, क्योंकि निर्यातकों का जो नुकसान होता है उसका भुगतान ईसीजीसी की ओर से किया जाता है। बैठक में मौजूद निर्यातकों में ईसीजीसी से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। मंच पर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल, यश की अंतर्राष्ट्रीय शाखा के सचिव नीरज खन्ना, यश के अध्यक्ष उदित सरन, नजमुल इस्लाम मौजूद रहे। मुख्य रूप से विशाल अग्रवाल, उदित अग्रवाल, प्रेमवीर सिंह, डॉक्टर हामिद सहित बड़ी संख्या में निर्यातक शामिल हुए। तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। और जैसा कि आप जानते हैं कि फेयर में हमारे लोग बायर आते हैं, नए बायर आते हैं, तो किसी बायर के बारे में एकदम जानना आसान नहीं कि उसकी कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या है और क्या उसका ग्रेड है, किस तरह से है। तो ईसीजीसी उसके अंदर हमारी काफ़ी मदद करती है ये बताने के लिए कि ये बायर क्या रियल में सक्षम है कि वो हमसे इतना माल खरीद सके। तो काफ़ी कुछ आसानियाँ हैं जो हमें ईसीजीसी से मिल सकती हैं। तो आई थिंक इससे रियली बेनिफिट होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ईसीजी आज के वक्त में ज़रूर हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा सिक्योर है या नहीं ये सबसे बड़ा एक विषय है। हम ईसीजीसी की किसी भी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में कमियाँ आती हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कमी आएंगी, परेशानियाँ होंगी, आरएम साहब बहुत पॉजिटिव हैं, मुकेश जी बहुत पॉजिटिव हैं, और जो इनकी नेगेटिविटी होगी उसको हम बदलेंगे भी पॉजिटिविटी में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन वाले तो विशेषकर यही 6 महीने से काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी में आने का। तो आप बिल्कुल भी बिना डरे, बिना भयभीत हुए, क्योंकि हम सब मिलकर एक ही मंच पे काम कर रहे हैं, लघु उद्योग भारती, यश, MHEA, IIA, हमारा सबका ईसीजीसी एक हिंदुस्तान की संस्था है। हमारी सबकी मिलीजुली समस्याएं, मिलीजुली लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो भी इनकी कमियां होंगी वो हम दूर करेंगे, हमारी कमियां होंगी उनको हम समझेंगे कि हम क्या कमी कर रहे हैं जिससे कि हमारा ईसीजीसी क्लेम हमें नहीं मिल पाता है। उसके लिए आप मुकेश जी को बार बार बुलाइए, 100 दफे बुलाइए, इनके आदमियों को बुलाइए, लेकिन कमियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके साथ साथ हमें ईसीजीसी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, अपने काम को सपोर्ट कर, ऐसा मेरा मानना है। सभी निर्यातक बंधु, मीडिया, सबका आपका आज इस मीटिंग में स्वागत है। मैं उपरोक्त पहले जो सब वक्ताओं ने बताया है, मैं इस बात से सहमत हूं कि सबसे पहले बैंकर्स को बैठ के आपस में हम लोगों को एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं 15 साल से इसका शिकार हूं। बैंक किसी कीमत पे नहीं मानता है, मेरा इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है, बैंक PC पर जब हम लेते हैं तो हमारी ECGC काटता है और फिर उसमें दो बार में प्रीमियम देना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरा ये सुझाव है सभी बैंकर्स को यहाँ पर बुलाया जाए, ईसीजीसी के साथ एक मीटिंग की जाए, और आरएम साहब को भी यहाँ बुलाया जाए, और सभी अधिकारियों से मिलकर साथ उनके साथ एक मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा झगड़ा कई बार हो चुका है बैंक में और मैंने ईसीजीसी की पॉलिसी ख़त्म कर दी, और 15 साल से मेरे पास जो पहले पासबुक होती थी आज भी मेरे उसमें आपकी तरफ 5,000 रुपये हैं, लेकिन मैं ईसीजीसी की पॉलिसी को बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। इसी वजह से कि हम दो जगह प्रीमियम क्यों दें, आप पीसी हमने प्रीमियम दे दिया, आप भी हमसे प्रीमियम ले रहे हैं, तो एक जगह प्रीमियम होना चाहिए, तो बैंक हमसे प्रीमियम ले ले या आप ले लें प्रीमियम। तो मेरा ये सुझाव है आपसे कि बैंकर्स को साथ में लेकर और आप अपने ऑफिस के सभी लोगों को साथ में लेकर और निर्यातकों को साथ में लेकर एक मीटिंग अटेंड करें, और उसमें उस सुझाव हम सुझाव रखेंगे, उसमें उस सुझाव का समाधान होना चाहिए। वो लोग भी काफी हद तक एक्सपोज्ड हैं तरह तरह की मार्केट कंडीशंस के साथ, तो लिहाजा किसी कस्टमर को अगर हम लगातार सर्विस दे रहे हैं पिछले 10-15 साल 20 साल से, इट इज नॉट अ प्रूफ कि वो
हम सिक्योर्ड है उसके साथ आगे भी हमेशा। तो ईसीजीसी का जो रोल प्ले है यहाँ पे हम लोग को हमारे रिस्क को कवर करने का, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ओनली गेनिंग इंपॉर्टेंस बाय पासिंग डे। सो ईसीजीसी को भी अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनकी प्राइसिंग और कम होगी, बिकॉज इंश्योरेंस जो है इट इज अ गेम ऑफ लार्ज नंबर्स। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ईसीजीसी के साथ मुझे लगता है कि इनकी भी कॉस्ट कम होगी और हम लोग के रिस्क ज्यादा अच्छे से कवर हो सकेंगे। आप कितना रिस्क में काम कर रहे हैं और रिस्क फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और ईसीजीसी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे रिस्क फैक्टर को कवर करता है। बाकी ईसीजी से संबंधित बातें नावेद जी ने और अवधेश जी ने बता दी है तो मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा उसकी, और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की मीटिंग्स होती रहें और एक्सपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहें। जैसे अब आगे हम नेक्स्ट मीटिंग अवधेश जी से भी निवेदन करा है हम लोगों ने कि एक मीटिंग बैंकर्स के साथ में, बैंकर्स एक्सपोर्टर्स और ईसीजी के जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं उनको निमंत्रण दे करके और हम लोग सब बैठेंगे और समस्या का समाधान कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इस मीटिंग में कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो ईसीजीसी से जुड़े हुए नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, हम दोनों की बात करेंगे। देखिए ईसीजीसी के बारे में ब्रॉडर लेवल पर मैं दो तीन बातें शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल हम लोगों ने अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया था, ईसीजीसी ने अपने 60 साल कंप्लीट किए थे और ये एक मैं कहूंगा एक प्लेजेंट कोइंसिडेंस है कि हमारे डायमंड जुबली ईयर में एक ग्लोबल सर्वे हुआ था वर्ल्ड ओवर, जिसमें ईसीजीसी के तरह जितने एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हैं जो मच ओल्डर मच लार्जर एजेंसीज वर्ल्ड के हैं सभी ने हिस्सा लिया था और इस ग्लोबल सर्वे में ईसीजीसी वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट ईसी इन द वर्ल्ड। इसके बाद भी शिकायतें रहेंगी, इसके लिए हम लोग हैं, हम लोग सुधार करेंगे उसको, बहुत से सजेशन जो है हम उसको नोट करके जाएंगे जैसे आप लोगों ने बताया। और एक जेंटलमैन अभी नहीं है यहाँ पे, हाँ मैं उनके बात है ना चले गए, ठीक है, तो मैं उनकी इश्यूज को भी एड्रेस करूंगा। और जो भी आप लोग दिल्ली तो आते होंगे कभी, आप दिल्ली आइए मेरे रीजनल ऑफिस में, हम लोग अच्छे से बैठ के डिस्कस करेंगे और जो भी इश्यूज इसके हल निकालने का कोशिश करेंगे। अगर हमारे ब्रांच से नहीं सुलझता है तो प्लीज कम टू दिल्ली, हम लोग मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे और जिस तरह का सोल्यूशन है निकालेंगे प्रॉब्लम्स, हमें भागनी नहीं है, आपके पास जानी है तो प्रॉब्लम तो हल करेंगे जैसे भी होगा।